प्रदेश के राजस्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनकी सरकार की 15 साल से बौखला गए हैं, तभी तो वो ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हवा में उड़ रही है, जनता के कोई मुद्दे कांग्रेस के पास है नहीं, और 15 साल से कपोल कल्पित आरोप लगाना और बाद में हंसी उड़वाना बहुत जल्दी में है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह रावलपिंडी के पुल को भोपाल का बता रहा है, कमलनाथ 60 लाख फर्जी मतदाता बता रहे, साथ नहीं निकलते। और फर्जी मतदाता कौन? कांग्रेस के जमाने में जो फर्जी नाम बढ़वाए जाते थे वो 1800 रीवा में एक मकान में नाम बढ़वाए गए थे जो बाद में काटे गए। अगर कहीं मृत्यु हो गई नाम नहीं कटे तो लापरवाही है, और वो लापरवाही दूर होना चाहिए। मैंने भी 6 महीने पहले पत्र चुनाव आयोग को लिखा था और मेरे कार्यकर्ताओं ने तो बाकायदा नाम मतदाता क्रमांक दिए थे जो वेरीफाई हुए और सही पाए गए। पर्यटन नगरी खजुराहो के मेला ग्राउंड में आज 4थे लोधी समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा के सांसद साक्षी महाराज शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2019 के जाते जाते संभवतः राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। साक्षी महाराज ने यहां मोदी सरकार के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2019 में भी मोदी सरकार ही रही।